गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट और हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट तो देख लिया था हमने, न्यूट्रिशन एनिमल्स देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन का मोड कौन सा होता है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो मोड होता है न्यूट्रिशनल जो मोड होता है वो कौन सा होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड, ठीक है, कौन सा होता है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। मैंने हेटेरो का मतलब बताया था अदर, और ट्रोप्स का मतलब बताया था नरिशमेंट, मतलब जो अपना नरिशमेंट होते हैं करते हैं वो किसी अनादर प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ सोर्स ऑफ फूड होते हैं, जिसमें आता है सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड के अंदर हम बात करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, जैसे फैट है, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। ये कैसे सब्सटेंस है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, एमाइनो एसिड है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये कैसे सब्सटेंस है, ब्रैकेट में लिखता हूं सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड ही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड के अंदर, और फैट जो कन्वर्ट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब भोजन का डाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इनका डाइजेशन करना पड़ता है, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये कौन से सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, कैसे सब्सटेंस है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये कैसे सब्सटेंस है, सिंपलर सब्सटेंस है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हम ये बात करेंगे, सबसे पहले डाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं
what is the mean of digestion, what is the definition of digestion. तो digestion का mean होता है कि the process converting of complex substance into simpler substance is known as digestion. ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि in digestion foods big particles convert into small particles, उसको भी क्या बोल सकते हैं हम digestion बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं digestion. ठीक है, तो इसका इसको स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ सर, रिपीट अगेन बेटा, अब आगे और करेंगे, इसको समझेंगे. ठीक है, अभी तो मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं, और जो ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड होते हैं वो सिंपलर सबस्टांस होते हैं. आगे बात करते हैं. ठीक है, इजी वे के अंदर हम और आगे बात करते हैं. सर हम बात करते हैं डाइजेशन की. तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ food complex substance into simpler substance. ठीक है, is known as digestion. या हम बोल सकते हैं दूसरी परिभाषा है ब्रेक डाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स into simpler particles. भोजन के जो बड़े पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं, ठीक है, भोजन के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना है सिंपलर पार्टिकल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. जैसे मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, डाइजेशन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में. किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब का डाइजेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है, उसके बाद ठीक उसी प्रकार जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? एमिनो एसिड के अंदर. इसमें कन्वर्ट होता है
एंड अमीनो एसिड के अंदर। ठीक उसी प्रकार जो फैट है, फैट का जब डाइजेशन होता है, क्या होता है डाइजेशन, डाइजेशन होने पे ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और इसका कन्वर्जन होता है सिंपलर, सिंपलर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, हाँ दोबारा देखें इसको, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन, या हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इनटू सिंपल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन। प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन। और जो फैट है कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन। दैट मींस दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, एंड दीज आर सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस convert into simpler substance, ठीक है, in the presence of digestion, ठीक है, digestion की presence में ये जो complex substance है ये simpler substance के अंदर convert होते हैं। ठीक है, इसका screenshot ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, यस। अब बेटा हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कि जब हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन का डाइजेशन कैसे होता है हमारे अंदर। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी सीधे बैठे, हिलना डुलना बंद करें, सिट प्रॉपर पोजीशन, यस एवरीवन, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डाइजेशन, एनिमल्स की बात आगे करेंगे, हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमारे अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है उसके दो भाग हैं, कितने भाग हैं,
ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कितने भाग हैं? दो भाग हैं, ठीक है। एक तो है हमारे बोलते हैं ना मशीन है, व्हाट आर यू डूइंग स्टूडेंट, व्हाट आर यू डूइंग, कौन है भाई? प्रवीण, प्रवीण कुमार कौन है? ये बोल रहा है कि हे स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सभी, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, हाँ ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमन बींग्स, यानी हम क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे अंदर भोजन के डाइजेशन करने के लिए दो, हमारा शरीर दो उसमें बटा होता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम डिवाइडेड टू पार्ट। हम देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड टू पार्ट। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट, ठीक है, टू पार्ट्स के अंदर। सुमे राम राम, अरे भाई कौन है ये? प्रवीण कुमार, हम आपका नाम लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, हम आपसे मिलेंगे जल्दी, हमारे स्कूल का मैनेजमेंट आपसे मिलेगा जल्दी, है ना, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड इन टू पार्ट, कितने पार्ट में बटा होता है? टू पार्ट्स के अंदर। हम बात करते हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनल, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है डाइजेस्टिव ग्लांड्स, बी होता है डाइजेस्टिव ग्लांड्स होती है, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट, कितने पार्ट में बटा होता है? टू पार्ट्स के अंदर। एक तो एलिमेंट्री कैनल होती है, ठीक है बेटा, और एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल को बोलते हैं आहार नाल, ठीक है, जो हमारे स्टोमक से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है, ठीक है। मुंह से स्टार्ट होकर कहां तक रहती है? वो एनस तक होती है, जहां से हम फ्रेश होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। हाँ, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल की बात करते हैं, ठीक है। एनिमल एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है? एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले आता है हमारा माउथ, माउथ, और माउथ किसमें खुलता है? माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, ठीक है। हमारा माउथ किसमें खुलता है? बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में क्या होता है? हमारे हमारा जबड़ा होता है, हमारी जीभ होती है, ठीक है, हमारे दांत होते हैं, हमारे कितने जाह होते हैं? दो जबड़े होते हैं, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला, अपर जा और लोअर जा। तो हमारे टीथ किसमें होते हैं? जबड़े में होते हैं, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो मूवेबल होता है, मतलब वही हिलता डुलता है, जबकि जो ऊपर वाला जबड़ा है वो हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। तो लोअर जा मूवेबल होता है और अपर जा नॉन मूवेबल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चेक करके देख लो आप, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलता है, नीचे वाला ही हिलता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इसमें आता है माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस आता है और इसको बोलते हैं हम फूड पाइप, क्या बोलते हैं इसको?
फूड पाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है हमारा स्टोमक। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है एनस, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट होते हैं हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो उसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? माउथ कैविटी होता है, ठीक है, माउथ कैविटी, या उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। एक होता है स्टोमक, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है एनस, ठीक है, ध्यान रखना। स्टोमक होता है उसके तीन भाग होते हैं, स्टोमक होता है उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है, ये ध्यान रखना सभी। एक कार्डियक पार्ट होता है, एक फंडस पार्ट होता है, एक पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके भी भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके भाग होते हैं ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी तीन भाग होते हैं, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम, एक होता है सीकम, ठीक है, कोलन, रेक्टम और सीकम, ठीक है, कोलन होता है, रेक्टम होता है और सीकम होता है। उसी प्रकार इसमें भी मैंने बताया कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने बताया जो हमारा स्टोमक होता है उसके तीन भाग होते हैं, कार्डियक होता है, फंडस होता है और पाइलोरिक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके भी तीन भाग होते हैं, कोलन होता है, रेक्टम होता है और सीकम होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड। अब हमारा बचा है डाइजेस्टिव ग्लांड्स। डाइजेस्टिव ग्लांड्स के अंदर हमारी होती है, एक तो होती है सैलिवरी ग्लांड, एक होता है हमारा लीवर, एक होता है हमारा पेंक्रियास, ठीक है, एक होता है हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है, एक होता है लीवर होता है, एक पेंक्रियास होता है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। इन ग्लैंड्स के द्वारा डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, क्या निकलते हैं? डाइजेस्टिव जूस, जो भोजन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से डाइजेस्ट करने का ही काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना,
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर एक तो सैलिवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि बोलते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और जो हमारी जो लार कहां से निकलती है, हमारी माउथ से निकलती है, जीभ से निकलती है, ठीक है, ठीक है सभी। हाँ, तो उसके बाद जो हमारी लार होती है उसके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, ये उसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। और जो अल्फा एमाइलेज होता है वो हमारे माउथ के अंदर स्टार्च जो होती है उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर, ठीक है। जैसे राइस के अंदर स्टार्च होती है, जैसे आलू होता है उसमें स्टार्च होती है, ठीक है, तो वो स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज के अंदर। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, माल्टोज क्या है, एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को किसमें ब्रेक डाउन कर रहा है, सिंप्लेक्स में, ठीक है। तो ये होता है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लीवर होता है, लीवर के द्वारा भी जूस निकलता है, ठीक है। लीवर के द्वारा क्या निकलते हैं, बाइल साल्ट निकलता है। जो बाइल साल्ट होता है वो एक प्रकार से भोजन को डाइजेस्ट करने में काम करता है, ठीक है। हमारा जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के द्वारा भी इंसुलिन, जैसे इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, तो वो क्या निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। तो ये सब चीजें होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक डायग्राम बना रखा है बुक के अंदर, सभी के पास बुक्स होनी चाहिए, सभी के पास बुक्स होनी चाहिए। ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करें जिनके पास बुक्स हैं, जिनके पास बुक्स है वो अपना हाथ ऊपर करें। यस, हाँ बेटा, बुक परचेज करो, ठीक है, बुक परचेज करो, सभी के पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है एवरीवन। बिना बुक्स के हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, बुक सभी के लिए आवश्यक है। हाँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं एक बार और समझाता हूँ इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं डायग्राम इसका, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने, मेरे को कंफर्म करवाओ स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने। हाँ, तो एक बार ध्यान तो देख, दोबारा से देख लो। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, ठीक है। सबसे पहले आहार नाल हमारी माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ कैविटी या बर्कन कैविटी, और माउथ में हमारे दांत होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद होता है इसोफेगस, इसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद स्टोमक होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। स्टोमक के तीन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं, कोलन, रेक्टम और सीकम, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर हमारे सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, और उसके बाद में लीवर होता है, और उसके बाद पैंक्रियाज होता है। तो ये हमारे सभी क्या है, जैसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट है, तो ये हमारे डाइजेशन का है, ठीक है। ये हमारे कौन से सिस्टम का पार्ट है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उसी प्रकार एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। तो ये जैसे ईसोफेगस है वो किसका भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। सैलिवरी किसका भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, ठीक है। लीवर किसका भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। पैंक्रियाज किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। लंग्स किसका है, लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ठीक है। ब्लड किसका है, ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ठीक है। हार्ट किसका है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लें, ठीक है, और सभी के पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके एवरीवन, बाय बाय।